वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के तत्वावधान में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन डेयरी के नेहरू कॉलेज में किया गया, जिसमें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अनेकों कॉलेज के प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन के साथ ही टूर्नामेंट शुरू हुआ। नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर कन्या कुमार सिंह ने बताया कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अनेकों कॉलेज के प्रतिभागी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर कन्हैया कुमार सिंह। आज यहाँ बैडमिंटन का खेल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि हमारा जो महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय की तरफ से जो हमारा प्रतिनिधित्व मिला हुआ वहाँ पे है, जो कि 13 से लेकर 14 तारीख तक यहाँ पे बैडमिंटन होगा जो पुरुषों के लिए होगा वहाँ पर, और सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है, जो कि आज का मुख्य उद्घाटनकर्ता हमारे महाविद्यालय के प्रचार्ज होंगे और हमारे जितने सहयोगी जो हैं बैठक के विभागाध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं और एनओ हमारे जो सज्जा बाबू हैं, सबका सहयोग है, और जो लेखापाल राधा रमन सिंह जी हैं, बरसर जी हैं, सबका सहयोग यहाँ पर हो रहा है और बड़ी पूर्णता के साथ में और सफाई गोई के साथ में यहाँ पे कार्यक्रम करवाया जाएगा। कल समापन समारोह में कोई बाहरी अतिथि आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, कल समापन समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित है, तो वहाँ पे के जो डीन होंगे रणविजय कुमार जी और जो स्पोर्ट्स हेड होंगे वहाँ पे जसवंत कुमार जी और जो मुख्य समाजसेवी हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह भोला सिंह जी और संजय सिंह बालाजी आएंगे, और उनके कार्यक्रमों के द्वारा और प्रचार्ज के द्वारा सब जितने प्राइज का वितरण होगा और जो शील्ड और कप दिया जाएगा और खिलाड़ियों को एक प्रशस्ति पत्र देकर मेडल दिया जाएगा। जितने भी खिलाड़ी हैं सिर्फ यही कॉलेज के हैं कि पूरा यूनिवर्सिटी के अनेक कॉलेजों से हैं? यूनिवर्सिटी के जब हो रही है यहाँ पे तो 35 कॉलेजेस हैं, उसमें से कम 9 कॉलेजेस के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और जो प्रतिभागी भाग लेंगे वहाँ पे कुछ सफाई गोई के साथ में उनको निर्णायक मंडल द्वारा इसको 1, 2, 3, 4, 6 तक किया जाएगा, और वही जो जीतेंगे वो ईस्ट जोन के लिए पूरे खेलने जाएंगे, जो ईस्ट जोन वहाँ पे मध्य प्रदेश रीवा में होने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।